नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। आपको पता है भाई सऊदी अरबिया और कुवैत गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति उन्हीं लोगों की, वर्करों की हो रही है जो सऊदी में बैठे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है, और जो यहाँ अपने इंडिया अपने अपनी कंट्रीज में आके बैठे हैं उनकी भी प्रॉब्लम है। काफी सारे लोगों के वीजा रिजेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, आपको पता ही है बहुत सारे लोग जो इंडिया में बैठे हैं फ्लाइटों की बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से लोग नहीं जा पाए थे। तो अभी सवाल निकल के ही आता है कि क्या कोरोना की वजह से, आपको पता है आपके 2 बार पहले आपके अखामा की डेट बढ़ा दी गई थी। जी हाँ, आपको अखामा की डेट, आपको सबको पता है, एक बार पहले बढ़ाई, फिर 2-3 महीने बाद एक बार फिर और आपकी डेट बढ़ा दी। तो लोगों को यह लगता है कि क्या तीसरी बार भी डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी काफी सारे लोगों के तो वीजा एक्सपायर हो गए, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे। बात अभी करेंगे लॉकडाउन लगने के बाद में जो लोग सऊदी अरबिया से, एक तरफा तो फ्लाइट आ रही थी थोड़ी बहुत जैसे भी चल रही थी, जैसे सऊदी से पाकिस्तान जा रही थी, इंडिया जा रही थी, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं पर भी फ्लाइटें आ रही थी। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं कोई छुट्टी आया, कोई कैसे आया, तो वो लोग भी तो ये सोच रहे चलो 2-4-6 महीने बाद वापस चले जाएंगे। तो अभी आपको पता है 25 दिसंबर के करीब सऊदी अरबिया ने फ्लाइटें बंद कर दी थी, आप सबको पता ही है। तो इस वजह से भी काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी लोगों के एन वक्त पे थे, उनके अखामा है जो उनका वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी। तो अभी लोग ये सोचते हैं कि क्या सरकार अभी भी हमारी जो तीसरी बार अखामा बढ़ाएगी फ्री में बिना पैसे। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई इसकी अगर बात करें कि अखामा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आपको पता है 2 बार सऊदी सरकार ने अखामा बढ़ाया था। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई 2 बार बढ़ा दिया और तीसरी बार भी बढ़ा दे, क्योंकि किसी इंसान की मजबूरी में तो वो बैठा नहीं है कि मजे से बैठे हैं, अखामा कैंसिल हो गया तो सरकार बढ़ा देगी, ऐसा तो है नहीं। मजबूरी में बैठे हैं सब, अपनी अपनी कंट्रीज आके बैठे हैं, कोई पाकिस्तान बैठा है, कोई सऊदीया बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है। तो वो लोग फ्लाइट बंद होगी तो फिर कैसे जाएंगे? फ्लाइटें बहुत मुश्किल से अभी स्टार्ट होने वाली हैं या हो रही हैं, कुछ देशों में ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो सरकार ने भाई साफ साफ उसकी तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि हम तीसरी बार उनका अखामा फ्री में बढ़ाएंगे। जी हाँ, अभी की सूचना ये आ रही है कि तीसरी बार अखामा नहीं बढ़ेगा। सरकार ने एक अपसेर अकाउंट आपको बताया, अपसेर अकाउंट आपको सबको बताया भाई, वो दिए बताए गए कि वो दे रहा है कि भाई उनमें अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं, निर्धारित जो शुल्क है वो जमा करा के अपना अखामा रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ, तो भाई अभी की न्यूज तो हम यही मान सकते हैं कि सऊदी सरकार का कोई मूड भी नहीं है कि वो तीसरी बार आपका अखामा फ्री में रिन्यू कर दे, क्योंकि वो भी चाहता है कि भाई पैसा तो आए ना, क्योंकि आप लोग तो थोड़ा थोड़ा आएगा लेकिन उसका तो अच्छा सारा बन जाएगा ना, अच्छा सारा काम उनका पट जाएगा। तो बस ये न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई तीसरी बार सरकार का कोई मूड है नहीं, अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइज नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। बाकी लोग बोलने को बोलते रहते हैं, आप न्यूज भी देखते रहते हैं, तीसरी बार बढ़ गया, बढ़ा देंगे वगैरह वगैरह। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।